हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी हस्बैंड आए हैं, कल ये गए हुए थे औरंगाबाद, तो आज आए हुए हैं। और मतलब ऐसे आके खाना वाना तो खाए नहीं ये, क्योंकि तो कुछ खा के ही आए थे। और अभी ये शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 5 बज रहा है, 5:30। और अचानक ही इनका क्या मूड में आया, बोले कि चलो मॉल, तो हम भी बोले चलिए, हमको क्या कुछ पसंद आएगा तो ले लेंगे। तो फिर पता नहीं क्या जो उसमें, अब तो जब निकाल ही लिया है तो अब क्या उसमें देख रहे हैं, अब लगा देगा क्या। तो पता नहीं, कल बोल रहे थे ना कि ये क्या कहते हैं इसको, वाइपर नीचे गिरा हुआ वही है ना उसका ब्लेड, शायद वही है, तोड़ भी दिया है भाई, तो वही सर्विस चेंज करना पड़ेगा। अरे खोलिए ना जी, लॉक तो खोलिए। तो वही बोल रहे हैं चलो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं क्या लेना है इनको। इनको जीन्स लेना है और स्वेट शर्ट लेंगे कि क्या लेंगे पता नहीं। वैसे जीन्स मुझे भी लेना है, मैं भी बोल रही थी कि चलो इसी बहाने मैं भी ले लूँगी। तनु घर पे है, वो सो गई है। एक्चुअली क्या है ना कि उसका पेपर है कल, और वो पढ़ते पढ़ते ना कब सो गई पता नहीं। ये आए बस, आके चाय पिए हैं और नहाए हैं, आते आते घुसे हैं नहाने और फिर चाय पिए हैं। और इनको हो गया है सर में दर्द, तो फिर मैं बाम वाम लगाई हूँ इन्हें, और उसके बाद थोड़ा सा सोए हैं। और फिर बोले, मतलब बोले कि जो आते हैं मॉल से, हम बोले चलिए। तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं उधर ही। और मैं ना ये वाला जो है मेरा स्वेटर, ये मतलब पिछले बार के बात तो आज ही पहनी हूँ, अब इसको मैं जब पहनी ना तो ये एकदम से जब देखे तो बाप रे, मतलब सही में यार मेरा पेट और साइड से इतना ज्यादा मैं मोटी हो रही हूँ कि भी आश्चर्य करने लगे कि मतलब कैसा लग रहा है, तुम कैसे लग रही हो, कैसे लग रहे थे, हाँ कैसे लग रहे थे एकदम ऐसे ही जबरदस्त। अभी मजाक उड़ाए इतना देख के, हे भगवान, मतलब अजीब टाइप से इनका ना रिएक्शन आया। तो मैं सोची कि हद है, तो मैं अब सोच ली हूँ कि नहीं अब मुझे जिम नहीं जाएंगे यार। जिम का दो, इनका भी और अपना भी, मतलब पैसा मैं दे चुकी थी चलिए ना, और उसके बाद कोई भी नहीं गई, ये तो बिल्कुल ही नहीं गई गए। मैं तो फिर भी 10-12 दिन गई थी, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मतलब पता नहीं मुझे इतना भूख क्यों लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, खाना खाने के बाद भी लग रहा है कि कुछ और खाते ही रहूं, खाते ही रहूं, यही खाने की वजह से मैं मोटी होती जा रही हूँ। तो बहुत मुझे आज मतलब बहुत अजीब सा फील हुआ, अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से ये रिएक्शन दिए अपना ना, कि जैसे लगा कि कौन भैंसी को देख लिए है, भैंस। चलिए चलते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे मत बोला कीजिए जी, अच्छा नहीं लगता फिर हमको। हम तो बोलिए ना, हमको तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमको ऐसा ही एकदम चाहिए, भरा पूरा एकदम हिस्ट पुष्ट लगे कि हाँ खानदानी औरत है। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा है, लग रहा है कि क्या धुंधला धुंधला सा, चलते हैं मॉल, उसके बाद देखते हैं कुछ पसंद भी आता है या नहीं आता है, तो चलिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं ये बोकारो मॉल, सारे जितने भी यहाँ पेड़ है सब में एकदम लाइट वाइट लगा हुआ है, अच्छा लग रहा है, ये लगाइएगा। हाँ तो सब देखना, यही लगा है। तो जस्ट इसके अपोजिट साइड में इधर है शाही दरबार। तो उसने जो मेरी फ्रेंड आई थी ना, उसी से बिल्कुल ज्यादा ही उस पे मेहरबान हो गए हैं लग रहा है ये। बोल रहे हैं चलो उसी में चलते हैं जहाँ तुम्हारी फ्रेंड जॉब करती है। तो बाजार कोलकाता है, बाजार कोलकाता करके कोई है, हम लोग कभी नहीं आए उसमें, लेकिन जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या मिलता है और कैसा सामान है, देखना चाहिए, देखने में क्या दिक्कत है। बोल रहे हैं चलो, तो हम लोग चलिए। तो फ्रेंड से देखिए हम लोग आ गए, और ये मेरी फ्रेंड तो एकदम से मैं आ रही हूँ उधर, देख रही हूँ कि कहाँ है, दिख नहीं रही। फिर ये बताई थी कि इसका कैश काउंटर पे था ना, क्या काम है तुम्हारा, बिलिंग। हाँ, फिर उधर मैनेजर के तब दिख गई, तो ये तो उधर उधर देख रही थी, मतलब कुछ काम बिजी थी, तो दो भाई दो लोग थे वहाँ, तो उसको मैं इशारा से बोले, तो फिर वो इशारा किए, तो फिर इसका नज़र आया मेरे को, तो ये देख रहे हैं, पता नहीं कुछ पसंद आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं। कन्फ्यूज़ है,
नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आएगा ही नहीं, तुम ही पसंद कर दो। कंफ्यूज आत्मा, जब ये सब मैं निकलवाई तो इनको ये सब अच्छा लगने लगा। अब ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, कलर तो यही ठीक लग रहा है। वो कितने का है? 1260 ना, 1260 का रेट लगभग सेम है। जो एम आर पी अभी बताया उसमें 30% डिस्काउंट करके आपको ये 900 रुपया। अच्छा, वो हम फिर नहीं बेच सकते विंटर के बाद, ये रही जाएगा कोई बात नहीं, हम बेच सकते। तो नहीं अच्छा लगा। क्या नाम था वो शॉप का? डिस्कवरी। वो कोई ब्रांड है क्या? सही था, उनका अपना स्टोर है, मतलब वो लोग मतलब अलग अलग स्टोर ब्रांड। अच्छा, मल्टी ब्रांड स्टोर। तो वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि देखने से लग रहा है कि क्या कहते हैं, मतलब वो पता नहीं क्या लग रहा है भाई, बताइए क्या आपको लगा वो सब देख के? नहीं अब वो बताएंगे, चलिए बाद में बताएंगे। पता नहीं किस में जाएंगे और किस में पसंद आएगा भी कि नहीं आएगा इनको। चलिए जींस लीजिए पहले, मेन तो जींस हमको लेना है। मेरा कहीं यहाँ लेडीज जींस मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा है इसमें, हम लोगों का भी नहीं मिलेगा, हमको तो चाहिए अपने लिए, कहाँ से हम ले बताइए। तो नहीं मिलता है इसमें, पैंटलॉन में मिलेगा मेरा। सुनिए ना, ऊपर चलिए ऊपर। तो अभी ये आए हैं कॉप में, दिखाइए, जाइए ट्राई कीजिए। और ये सब स्वेट शर्ट पसंद आया है, तो ये दो स्वेट शर्ट पसंद किए हैं, एक और एक पैंट लिए हैं। ये फॉर्मल पैंट है ना, फॉर्मल टाइप का ये ना। कहाँ में भैया बिलिंग कर दीजिए इसको। तो फ्रेंड्स ये इनको तो मिल गए, पता है यहाँ बोकारो मॉल में एक चीज देखी हूँ कि यहाँ पर ना ब्रांड तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन सब ब्रांड में लेडीज लोगों का कलेक्शन कुछ भी नहीं रहता है। तो ये बहुत बड़ा मतलब बहुत बेकार लगता है। अभी वैन हुसैन देखते हैं यहाँ है कि नहीं, यहाँ भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मॉल से निकल गए हैं, मैं अपने लिए कुछ नहीं ली हूँ, बस ये जो अपना लिए है वही, कुछ नहीं मिलता है यहाँ बस। कौन सा शॉप में गए थे हम लोग जो अभी लास्ट में, क्या था? यूनाइटेड कलर्स ऑफ पैनेटेल। गिन के दो, एक था मेरे साइज का बस, ब्लैक कलर में। अब उसमें हम क्या मतलब पसंद करें, गिन के एक दो निकाल के दिखा रहा है और वो भी है यार यहाँ तो। तो फिर मैंने बोली नहीं, और कोई ऑफर में रहता है ना, इनको तो ऑफर में मिल गया। अब एक एक जीन्स कौन लेगा भाई, 3,000-4,000 का ऑफर में मिलता तो मैं ले। हम लोग तो ऐसा ऑफर में जाते हैं, बाई वन गेट टू ऐसा कुछ ऑफर रहता है तो सही रहता है। तो फिर नहीं था, मैं नहीं लेती उतना महंगा। और उसके बाद ऑप्शन भी नहीं था जो वहाँ देखते हैं। एक बस ब्लैक कलर का जींस था मेरे साइज़ का, 30। इनका जो साइज़ है ना, वो देखी तो बोली कि 32, मैम आपको बहुत बड़ा होगा, क्योंकि साइज़ इन लोगों का बड़ा आता है ऐसा कुछ। तो अभी हम लोग आ गए हैं और एक तिब्बत बाज़ार लगा है इधर, तो वहाँ मैं जा रही हूँ थोड़ा सा देखने के लिए। मुझे एक कोट चाहिए लॉन्ग में, तो वही मैं जा रही हूँ देखने, अगर वहाँ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधे घर जाएंगे अब, क्योंकि 7 बज गया है और तनु को पढ़ाना है, उसको स्कूल है, कल एग्जाम चल रहा है। और वो पता नहीं लोगों का क्या चलन होता है, सबका शीशा देखिए उल्टा घुमा दिया है, कोई क्या उल्टा घुमा दिया है। हाँ, तो हम सीधा किए ना जा करके, सबका क्या हुआ है। हाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी देखिए शीशा दिख रहा है उल्टा उधर घुमा हुआ है, इतना सब फुर्सत कैसे होता है कि सब करने का बदमाशी। ये सब यही होता है, वहाँ नहीं होता है फुर्सत किसी को सब करने का।
समझे, यहाँ लोग ज्यादा फ्री है अपने अपने काम से, लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं, लोगों को दूसरे से मतलब है, परेशान करना है खाली। क्या मिला शीशा चढ़ा करके, क्या मिला उसको, कितना सुकून मिला होगा पता है आपको। अभी ऐसा ही जींस सब चल रहा है, लेकिन हम लोगों को अच्छा नहीं लगता अपने ऊपर पहनना, लड़की से पहनती तो ठीक लगता है। तो चलिए तिब्बत बाजार लेके चलिए, देखते हैं वहाँ कुछ है तो। तो ये रहा कहीं लगा दीजिए, दोनों जगह देख लेंगे, एक इसमें भी यहाँ भी है कश्मीरी उलन बाजार और एक उधर, हाँ वो है तिब्बत वाला जो है रेफ्यूजी विंटर मार्केट। देखते हैं यहाँ कैसा कैसा क्या क्या लाया है ये लोग। तिब्बती रेफ्यूजी विंटर मार्केट, देखिए यहाँ देखिए, कहाँ देखना है, ठीक तो है, अच्छा लग रहा है, कलर भी बढ़िया लग रहा है। नहीं पसंद आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है बिल्कुल, देखिए जो पसंद आता है ना पहले बार पसंद आ जाएगा, वरना तो फिर कलर दिखाते रहिए फिर। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर जो क्या था बाहर भूल जा रही हूँ, तिब्बत मार्केट यहाँ स्वीट सब इतना प्यारा प्यारा है और इतना अच्छा सा कलेक्शन है, बहुत अच्छा वहाँ, मतलब जो मॉल में हम लोग देखे उसे तो बहुत ज्यादा अच्छा है, और प्राइस भी इनका सही है, 900 का बता रही है ना, 900 से। और ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब, ये देखिए बच्चे को और क्वालिटी, तो वो कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट था ना तो फ्रेंड्स मुझे तो ना दो कोट अच्छा लगा, उसमें इतना कंफ्यूजन मुझे हुआ कि मैं ली नहीं, फिर ये बोलेंगे कि लोग ही खुद ही नहीं, और बोलोगे कि लेते, मतलब ये जो भी था अच्छा था, मैं इनको बोली कि दिन में आके लेके जाएंगे, कल परसों में आएंगे स्कूटी से तो दिन में आके लेके जाएंगे। और यार मतलब स्वेट शर्ट जो ये देखे थे ना, वो सब क्वालिटी इतनी अच्छी अच्छी थी, मतलब कलर अट्रैक्टिव कलर, मतलब एकदम, लोग अगर आएंगे लेने के, अगर लेने है, लेना है तो कम से कम 3-4 तो ले गए, मतलब रेट भी बढ़िया, और लग रहा है कि मतलब वही खौप में 3-3 हजार का था, 3 हजार नहीं, हालांकि बड़ा वो भी मुझे 1 हजार का ही वहाँ पे, मतलब ऑप्शन वहाँ पे मतलब होता है ना, मन मार के लेना, यहाँ होता है तुम पसंद करके, तुम बहुत सारा वैरायटी भी था इसके पास, मतलब एक भी लेना है तो ले लो, ज्यादा भी लेना है तो ले लो, मतलब वहाँ मॉल में बंद जाता है इंसान अगर ऑफर वाला है तो। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे, स्वेट शर्ट वगैरह सबका कलेक्शन अच्छा था, दिन में आके लेके जाएंगे। वो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो गया क्योंकि जो मैं अपने लिए देख रही हूँ ना वो सब ज्यादा प्राइस का था, स्वेट शर्ट तो 1100-1200 का था, लेकिन वो कोट वगैरह ज्यादा का था, तो इसलिए मैं ना तो सोची कि लूँ या नहीं, लेना तो है मुझे लेकिन कन्फ्यूजन हुआ था कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। तो चलिए मैं, मुझे ना दो वो वीडियो बनाए थे लास्ट वाले बनाए थे आप जो एक और हम देखे थे कोट का, चलिए मैं फोटो डाल दूंगी इस वाले ब्लॉग में, जो जो मुझे पसंद आया था आप लोग बताइएगा कि कौन सा अच्छा लग रहा है मेरे और अगर वो कल रहा तो मैं कल आके लेके जाऊंगी तो चलिए चलते हैं घर, इनको लगा है बहुत तेज भूख, और बाहर का हम बोले कि खाना पीना सब बना हुआ है घर में, 11 बजे खाना तो। अच्छा ये पता है कितने बजे आए हैं, 2:30-3 बजे आए, तो बोले कि नहीं खाएंगे, उस समय नहीं लगा था वो, हाँ तो फिर अब लग रहा है, तो चलिए घर में इतना टेस्टी चीज बना हुआ है तो चलते हैं घर और खाते हैं। पता नहीं तनु सोई है कि जगी है, वही उसी का टेंशन हो जाता है मुझे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए अपने घर, मतलब अभी बेसमेंट में ही है, और ये तनिषा के लिए गोलगप्पा लिए हैं और हम लोग नीचे खा लिए, ज़्यादा नहीं, बस बहुत कम ही खाए हैं और ज़्यादा लिए भी नहीं है क्योंकि खाना बना हुआ है, ये सबसे पेट भर जाएगा ना तो फिर खाना खाने का मज़ा नहीं आएगा। यार इनको भी अफसोस हो रहा था कि क्यों नहीं पहले, मैं सोच रही थी इनको बोलूँगी कि पहले उधर ही चले क्या, फिर मैं सोची कि शायद लेडीज लोग का ही केवल कलेक्शन होगा, मुझे नहीं मालूम था कि इतना अच्छा मार्केट था वो, मतलब इतना अच्छा वो अब, लेकिन जब भी लेना होगा तो वहीं से जाके लेंगे। और
इनको भी कहीं ना कहीं अफसोस हो ही रहा था कि वहाँ पहले गए थे, क्योंकि बोल रहे पहले वहाँ अगर गए रहते तो अच्छा रहता ना। ठीक है, अफसोस नहीं करना चाहिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, वहाँ का मतलब जितना स्वेटर वगैरह था ना, मतलब इतना सॉफ्ट कपड़ा था उसका, बहुत ही एकदम टच करने तो लग रहा। मैं तो ये वाला इतना अच्छा है कपड़ा, इससे भी सॉफ्ट, इससे भी बहुत अच्छा अच्छा वो था। ये कहाँ से लिए थे? पैंटलून से लिए थे सर। हाँ, वहाँ गौर सिटी मॉल से। तो ये तो कुछ भी नहीं था यार उसके सामने, बहुत अच्छा अच्छा वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा प्यारा प्यारा सा लग रहा था कि फर जो फर ही था ना, फर ही तो रहता ही है। तो चलिए घर आ गए हैं, और सजेस्ट कीजिएगा आप लोग, तीन मैं डालूंगी गोट, उसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, मेरे पे कौन सा अच्छा लग रहा है। देखिए अच्छा तो लगता है, लेकिन खुद पे क्या अच्छा लग रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खुद पहनना है। तो बट आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कौन सा अच्छा है, ऐसा मत कीजिएगा कि कोई सजेस्ट मत कीजिएगा मुझे। ये भी सोच रहे हैं कितना पकाती है। तो ये एक ये वाला लिए हैं, जो उनको कितना मैं बोलती कि वहाँ पहन के देखिए, लेकिन नहीं पहने थे। तो एक ही ट्रायल रूम था उनके, हाँ वहाँ पर वेटिंग में एकदम। एक ये यार, ये सबसे बहुत अच्छा वहां पर था स्वेट शर्ट, वहां का तो एक अलग ही लग ही रहा था, मतलब देखने में दिखे। चलिए हो गया, ये सो के अभी जस्ट उठी है, 8 बज रहा है हम लोगों को, टाइम हो गया 8, और इसका कल 2-2 पेपर है। चलो आओ।